करीना कपूर खान ने अपने फैंस के लिए अपनी एक ऐसी पिक्चर शेयर की है जिसमें उनके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और उससे उनका चेहरा काफी चमक रहा है। करीना ने इंस्टाग्राम पर जब से एंट्री की है वो अपने लाइफ के हर पल की पिक्चर को लगातार शेयर करती रहती है। दिशा पाटनी इस वक्त मलंग की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में इसके सेलिब्रेशन में दिशा मरून ड्रेस में दिखाई दी। उन्होंने अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, लोगों ने इसकी तारीफ भी की, लेकिन सबसे मजेदार कमेंट टाइगर श्रॉफ की बहन ने किया। दिशा और टाइगर अपनी नजदीकियों के चलते अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं। वहीं दिशा की बॉन्डिंग टाइगर की पूरी फैमिली से अच्छी है। दिशा को अक्सर टाइगर की मॉम के साथ लंच डेट पर देखा जाता है। वहीं उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ के साथ भी वो आउटिंग पर दिखाई देती है। अनुष्का शर्मा उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने कम समय में अपने लिए एक मुकाम बनाया। वो हमेशा नई और बेहतर चीजें करने की कोशिश करती हैं। वो अपनी अदाकारी के जरिए अपने दर्शकों के लिए कुछ नया और एंटरटेनिंग पेश करने की जुगत में लगी रहती हैं। अनुष्का उन एक्ट्रेस में से एक है जो किसी भी दबाव से परेशान नहीं होती। अनुष्का कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ उन कामों को लेती है जो काम वो कर सकती है। अनुष्का ने कहा, एक एक्टर और एक प्रोड्यूसर के रूप में मैंने हमेशा नई चीजें करने की कोशिश की। मैंने कभी किसी दबाव में रहकर काम नहीं किया। मैंने हर उस अवसर को हासिल किया जिस वजह से मुझे कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला। 19 साल पहले बोर्ड एग्जाम के दौरान आयुष्मान खुराना ने ताहिरा को ऐसे किया था प्रपोज। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप बॉलीवुड की सबसे क्यूट जोड़ी है। दोनों एक दूसरे को पर्सनली और प्रोफेशनली सपोर्ट करते रहते हैं। अब आयुष्मान ने हाल ही में बताया कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स के दौरान उन्होंने ताहिरा को प्रपोज किया था। आयुष्मान ने ताहिरा की कई फोटोज का कोलाज बनाकर लिखा, ये 2001 की बात है, हम अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे थे। मैंने रात 1:48 पर ताहिरा को फोन कर अपने दिल की बात कही। ब्रायन एडम्स का गाना इनसाइड जहन में चल रहा था। 19 साल हो गए हैं ताहिरा के साथ। कुछ दिनों पहले के एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने कहा था, फिजिक्स के ट्यूशन में ताहिरा और मेरी केमिस्ट्री अच्छी चल पड़ी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि मेरा मानना है कि अपनी बीवी से इतना प्यार करो कि पड़ोसी की पत्नी भी आपसे प्यार करने लगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्यार के मामले में मेरा मानना है कि आपको खुली किताब की तरह रहना चाहिए। कुछ वक्त पहले ही शिल्पा ने अपने घर में आई गुड न्यूज की इन्फॉर्मेशन फैंस के साथ शेयर की थी कि वो दोबारा मां बनी है। शिल्पा इससे पहले एक बेटे को जन्म दे चुकी हैं जिनका नाम व्यान कुंद्रा है। व्यान के बाद अब शिल्पा के घर एक नन्ही मेहमान ने एंट्री की है। शिल्पा ने अपनी बेटी का नाम समीशा रखा है। कुछ समय पहले ही फिल्म इंडस्ट्री की इस हसीना को मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी बेटी के साथ पोज देते हुए देखा गया था। अपनी बेटी की पहली तस्वीर को हाल ही में शिल्पा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस तस्वीर में शिल्पा शेट्टी अपनी बेटी का नन्ना हाथ थामे दिख रही है। इसके साथ ही राज कुंद्रा उनके बेटे व्यान कुंद्रा भी साफ देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर नेहा धूपिया की ट्रोलिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रियलिटी शो में कंटेस्टेंट को दी गई एडवाइस को लेकर नेहा का खूब मजाक बना, जिसके बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया। बॉलीवुड जगत के तमाम बड़े स्टार्स ने नेहा धूपिया को सपोर्ट भी किया। करण जौहर से लेकर सोनम कपूर ने नेहा की बात का समर्थन किया, लेकिन नेहा की ट्रोलिंग अब भी जारी है। मीम्स के जरिए नेहा का लगातार मजाक बनाया जा रहा है। यूएस में कोरोना वायरस के चलते लगी इमरजेंसी के बीच शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने शेयर की अपनी फोटो। शाहरुख खान की बेटी सुहाना इन दिनों न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक्टिंग और फिल्मों की पढ़ाई कर रही हैं। अब इसी बीच सुहाना ने न्यूयॉर्क से अपनी तस्वीर शेयर की है। सुहाना ने अपनी जो फोटोज शेयर की है उसमें उन्होंने मेकअप किया हुआ है। डार्क लिपस्टिक और आई मेकअप में वो खूबसूरत लग रही है। फोटो शेयर करते हुए सुहाना ने उबासी लेती इमोजी को शेयर किया। सुहाना की इस फोटो को देखकर लग रहा है कि वो कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में लगी मेडिकल इमरजेंसी के बाद घर में बोर हो रही है। हालांकि सुहाना की इस फोटो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी खूबसूरती की तारीफ भी कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर और स्टार्स की इसी एक्टिविटी को हम आप तक लेकर होते हैं हाजिर। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहां कहां कैप्चर किया। सबसे पहले हमने शाहिद कपूर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया। इसके बाद सारा अली खान को भी हमने सनी सुपर साउंड स्टूडियो के बाहर कैजुअल लुक में कैप्चर किया। साउथ एक्टर यश चोपड़ा को हमने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर स्पॉट किया। दिशा पाटनी को हमने अंधेरी में जिम सेशन के बाहर कैप्चर किया। सुजैन खान को हमने क्रमो के सैलॉन के बाहर स्पॉट किया। वहीं श्वेता बच्चन को हमने क्रमो के सैलॉन के बाहर स्पॉट किया। कोरोना वायरस का डर इस वक्त पूरी दुनिया में जारी है। देश में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
इसका असर फिल्मी दुनिया पर भी देखा जा रहा है। इस खतरनाक बीमारी के डर के चलते देश के कई सारे सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है, जिसका असर रिलीज होने वाली फिल्मों पर भी पड़ रहा है। अब खबरों की माने तो ऐसा ही कुछ रणवीर सिंह स्टार फिल्म 83 को लेकर भी होने वाला है। हालांकि इस बारे में अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव करने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर 11 मार्च को रिलीज होने वाला था, लेकिन मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट को रद्द कर दिया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फिल्म की रिलीज डेट में भी बदलाव हो सकता है।